एडोब ऑडिशंस पे आ चुका है, सो इसे आप चालू करके भी सुन सकते हैं। मैं फिलहाल इसे ऑफ करता हूँ। सो इसके बाद इसकी जो नॉइस है, इसे रिमूव करने के लिए इसकी जो नॉइस एरिया है सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके फास्ट, यहाँ पे 3 स्टेप होता है, सो फास्ट स्टेप मैं यूज करता हूँ। फास्ट स्टेप है, ये जो एरिया है इसे सिलेक्ट करके यहाँ से इफेक्ट नॉइस रिडक्शंस, ये ऑप्शंस पे आने के बाद यहाँ पे कहाँ जाना है, यहाँ पे जो कैप्चर नॉइस पॉइंट प्रिंट, ये करने के बाद सारे जो मेरा क्लिप है इसे सिलेक्ट करके इफेक्ट यहाँ से नॉइस रिडक्शंस, ये है फास्ट प्रोसेस। यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है, बस नेक्स्ट, ये है फास्ट स्टेप। नेक्स्ट अंडू करता हूँ। अंडू करने के बाद यहाँ से और एक सेकंड स्टेप है जो है कंट्रोल ए सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इफेक्ट इफेक्ट यहाँ से नॉइस रिडक्शंस, इस ऑप्शंस पे जाने के बाद यहाँ से एडाप्टिव नॉइस रिडक्शंस, फास्ट कैप्चर नॉइस, ये है फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप ये है, नेक्स्ट ये दूसरी तरीके से आप एडाप्टिव नॉइस रिडक्शंस, इसे आप जब यहाँ से हाई क्वालिटी मोड, नेक्स्ट अप्लाई, इस तरह से भी आप नॉइस, ये सेकेंड स्टेप। नेक्स्ट थर्ड जो प्रोसेस है, थर्ड प्रोसेस है एडाप्टिव नॉइस रिमूव होगा। फर्स्ट कुछ सेटअप कर लेना है, उसके बाद एडाप्टिव नॉइस यूज करूँगा। सो यहाँ से कंट्रोल ए सिलेक्ट, यहाँ से जस्ट इफेक्ट एम्पलीट्यूड कंप्रेसर्स, यहाँ से डायनामिक डायनामिक्स, सॉरी, यहाँ से डायनामिक्स एंड यहाँ से कंप्रेसर, इसकी जो लोअर वैल्यूस है -24, और कुछ चेंज नहीं करना है। यहाँ से ए ऑफ होगा, ए ऑफ होगा एंड अप्लाई। ये करने के बाद यहाँ से नॉर्मलाइज -0.1 dB। नेक्स्ट यहाँ से नॉइस एंड एडाप्टिव नॉइस रिडक्शंस, यह है थर्ड स्टेप। सो फर्स्ट स्टेप था कैप कुछ नॉइस एरिया को कैप्चर करना है। कैप्चर करने के बाद उस वे जो कैप्चर किया हुआ डेटा अप्लाई करना है सारे जो फुटेज, सारे जो क्लिप्स है उसमें। सो यहाँ से कैप्चर, यहाँ से नॉइस रिडक्शन, सेकेंड स्टेप होल क्लिप को सिलेक्ट करना है एडाप्टिव नॉइस रिडक्शंस। थर्ड प्रोसेस जो है वो होता है फर्स्ट यहाँ से जस्ट डायनामिक्स, यहाँ से इसे ऑन करना है, यहाँ से -24 अप्लाई, देन यहाँ से नॉर्मलाइज टू 0.1 dB, इसे सिलेक्ट करने के बाद एडाप्टिव नॉइस रिडक्शंस। सो ये थी 3 प्रोसेस जो जिसमें आप नॉइस रिड्यूस कर सकते हैं, यानी रिमूव कर सकते हैं आपकी ऑडियो से। सो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बताएंगे कि कैसे आप नॉइस फ्री ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाद में कोई कुछ रिड्यूस भी नहीं करना है, नॉइस को रिमूव भी नहीं करना है, एकदम नॉइस फ्री ऑडियो कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं इस बारे में बात करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।